हाय, आपके साथ मैं हूँ सुरभि शर्मा। इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाएं। एक तरफ यूपी के गांवों में कोरोना की वैक्सीन लगवाने में रजिस्ट्रेशन की दिक्कत आ रही है, तो महाराष्ट्र के नागपुर में अलग ही समस्या है। यहां के गांव में लोगों में वैक्सीन को लेकर कंफ्यूजन है। गांव वाले इस खौफ में हैं कि वैक्सीनेशन के बाद उनकी मौत हो जाएगी। गांव वाले इस कदर डरे हुए हैं कि वो घर से बाहर ही नहीं निकल रहे। नागपुर से इंडिया टीवी संवाददाता योगेंद्र तिवारी की ये रिपोर्ट देखिए। नागपुर सहित पूरे विदर्भ के ग्रामीण क्षेत्रों में कोरोना काफी तेजी से बढ़ रहा है। वहाँ शहर के अलावा अपेक्षा इन क्षेत्रों में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या ज्यादा पाई जा रही है। हम इस वक्त नागपुर से 50-55 किलोमीटर दूर पौनी में हैं, जहाँ पर आप देख रहे हैं गलियां पूरी सुनसान है, दरवाजे बंद है, एक व्यक्ति भी यहाँ पे दिख नहीं रहा। जब हम पहुंचे तो कुछ लोग बाहर आए। हम जानने की कोशिश करते हैं कि क्या वजह है कि इस पौनी में अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में लोग वैक्सीन नहीं ले रहे। क्या वजह है कि वैक्सीनेशन लोग नहीं ले रहे? उनका अभी ऐसा कहना है कि वैक्सीन लेने से मरते हैं, वैक्सीन अगर नहीं लेंगे तो बच जाएंगे। मुझे ऐसे दो सीन ऐसे बहुत से लोग ऐसे मुझे मरे, वो मुझे अलग अलग बीमारी से मरे, पर उनके मन में 250 तक बैठ गई कि ये वैक्सीन से मर रहे करके, इसके वजह से बहुत से लोग वैक्सीन से नहीं ले रहे। तो गांव के लोगों में खांसी सर्दी जुकाम बुखार बीमारी आ रही है? हाँ, अभी वो आती है तो वो दवा खाना जाते हैं ना, फट से उनको आराम हो जाता है। खांसी बुखार तो वो होता है ना 12 महीने। तो टेस्ट कराने जाते कि नहीं कोरोना का? कोरोना टेस्ट भी कराने जो है, अभी सुशिक्षित पढ़े लिखे वो खुद ही उनको बताना नहीं पड़ता, वो जाते टेस्ट कराते। तो पढ़े लिखे नहीं है गांव के जो लोग, वो नहीं जाने को देखते कोरोना टेस्ट करने। क्यों नहीं जाते वो? उनको डर लगता है कोरोना से। तो क्यों डर लगता है? उनको मन में ऐसा बैठ गया है कि कोरोना से मरते है लोग, ऐसे बोलते ना वो। मन में लोगों के अंदर डर पैदा हो गया। क्या वजह है आप पौनी के हैं? क्या वजह है कि लोग ग्रामीण के लोग पौनी के लोग वैक्सीन नहीं ले रहे हैं? एक साल से ये बीमारी चालू है। लोगों के मन में पहले जो बहुत सारा ये था कोरोना का प्रभाव। हाय, आई एम सुरभि शर्मा। खबरों से अपडेट रहने के लिए इंडिया टीवी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करिए, साथ में बेल आइकन जरूर दबाएं। जुड़े रहें इंडिया टीवी के साथ।